मैं हूं आपका दोस्त सुधीर शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया का एक खास कार्यक्रम फेस टू फेस। शायर अकबर इलाहाबादी का एक शेर है कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो और जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। यह शेर उस दौर का है जब पत्रकारिता या यूं कहें कि अखबारों की आवाज तोप के बराबर हुआ करती थी। तब की पत्रकारिता और थी लेकिन आज की पत्रकारिता कुछ और है। लेकिन हमारे साथ आज पत्रकारिता जगत की एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने उस दौर को भी देखा है और आज के दौर में भी जी रहे हैं। नाम है श्री विश्वरथ नायर। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आपकी पहचान है, साफ गोई, सादगी और कलमकारी में आपको महारत हासिल है। 30 से ज़्यादा सालों से आप लगातार पत्रकारिता कर रहे हैं। आपने पुराने दौर को देखा है और नए दौर को भी देखा है। आपकी कलमकारी आज भी जारी है। तो आज मैं इस खास कार्यक्रम में सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस फेस टू फेस में। और मेरा सवाल भी इसी से शुरू होता है कि आपका जो दौर अगर हम देखते हैं तो आपने उस दौर में भी पत्रकारिता की जब इसकी उतनी पहचान नहीं हुआ करती थी और आप आज उस दौर में भी पत्रकारिता कर रहे हैं जब इसका दायरा बदल गया है, इसका कामकाज करने का तरीका बदल गया है। सर इतना लंबा सफर कैसा रहा, अभी सफर को कैसे आप डिफाइन करेंगे? सुधीर जी, सबसे पहले मैं टीवी वन इंडिया का शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक ऐसा विषय जो आज तक न्यू बॉम्बे में इतने सालों से, मेरा तो 36 साल हुआ न्यू बॉम्बे में, और ये इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इतिहास दोहराना या इतिहास का खोज करना, नवी मुंबई में पत्रकारिता का ये पहल जो आपने किया उसके लिए सबसे पहला आपको मुबारकबाद। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि आप जैसे शुद्ध और इतने अच्छे हिंदी में बोल नहीं पाऊंगा लेकिन फिर भी जो कुछ पॉइंट्स है वो पॉइंट्स मैं आपके सामने और आपके व्यूअर्स को समझ में आएगा उस हिसाब से मैं सब बताऊंगा। पत्रकारिता कि जो आपने जिस दौर का गुजर आपने जिस दौर का जिक्र किया, उस दौर में पत्रकारिता का उतना ही अहमियत था जितना आज भी है। तौर तरीके बदल गए, सिस्टम्स बदल गए, लेकिन रुबुआ अगर सही पत्रकारिता जो लोग अच्छे पत्रकारिता कर रहे हैं उनका आज भी वही ही है। जब हम शुरू किए पत्रकारिता न्यू बॉम्बे में तब गिने चुने 5 या 6 लोग थे इधर। न्यू बॉम्बे में सबसे पहला अखबार, इंग्लिश अखबार निकला न्यू बॉम्बे बुलेटिन, जो जी ए स्वामी करके चेंबूर से आता था वो पेपर निकलता था। और उस दौर पे उस अखबार में मैं भी था और एक नायर जो वाशी टाइम्स का पब्लिशर है, वो हम दोनों थे उस अखबार में काम करते। उसके बाद मैं इंडियन एक्सप्रेस में लगा, मैं डेली में एज अ स्ट्रेंजर फ्रॉम न्यू बॉम्बे था और उस दौर पे इंग्लिश पेपर का उतना कुछ ये नहीं था, मतलब एक ये हम लोग इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे कि एक रिपोर्टर चाहिए न्यू बॉम्बे में, बिकॉज न्यू बॉम्बे वाज जस्ट टेकिंग शेप, उसका आकार हो रहा था। 79 में 78 में वाशी का कुछ बन शेप आया था, कुछ बन रहा था, लेकिन न्यू बॉम्बे में उसके बाद ही सीबीडी बना और नेहरू बनना शुरू हुआ था। लेकिन उस दौर पे जो पत्रकारिता पे जो क्या बोले अथॉरिटी लोग, कॉरपोरेशन बोलो, गवर्नमेंट बोलो, सिडको बोलो, कोई भी वो टाइम वो लोग वही दबाव लगाने में करने देखता था पत्रकारों के ऊपर, जो आज भी वही सिलसिला चल रहा है। ये तो मैं आज ये जो मैं आज बताने वाला हूँ आपको, ये पहली बार ये कोई मीडिया में आने वाला है। दिस इज न्यू बॉम्बे में पहला पत्रकार संघ जब बना, वो स्टोरी मैं बोलना चाहूंगा। यस सर प्लीज। इसका पहल उस टाइम के हमारे कुछ वो टाइम के जो प्रोमिनेंट पत्रकार थे, वीके नायर था वाशी टाइम्स का, सुरेश वडवलकर थे, परेण जांबले, दिवंगत परेण जांबले, नवशक्ति के चीफ न्यूज एडिटर थे वो लोग थे, अशोक जालनावाला जो हाल ही में गुजर गए, अशोक जालनावाला भी थे,
और मैं तभी नया नया था, बच्चा सा था उनके इनके सबके सामने। लेकिन ये पहला पत्रकार संघ का मीटिंग ये सिडको कम्युनिटी हॉल वाशी में सेक्टर 3 में बुलाया गया। लेकिन इनिशिएटिव किसका इनिशिएटिव था? ये लोग तो थे ही, लेकिन इनिशिएटिव था सिडको के अधिकारियों का। अच्छा, वो टाइम के कुछ दो तीन सिडको के अधिकारी, कौशाडीकर बोलो, जांबोडेकर बोलो, ये दो तीन लोग थे। उन लोग सब इंटरेस्ट लेके ये पत्रकार संघ सेटअप करने को। और तब मैं इंडियन एक्सप्रेस में था, तो मुझे, मैं तो काफी एंटी एस्टैब्लिशमेंट रिपोर्टिंग करता था तभी, क्योंकि सिडको का नया नया था, देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, तो प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करता था। तो मैं इनका फेवरेट रिपोर्टर में नहीं था। लेकिन सिडको के अधिकारी, ये बाकी जो सीनियर लोग थे वो टाइम के लोकली, दे वर वेरी क्लोज टू सिडको ऑफिशियल्स। और वो मैं देखा, पहला मीटिंग में मैं नया था, तो पहले मीटिंग में मैंने देखा कि सिडको के अधिकारी हमारे पत्रकार संघ फॉर्म करने में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। वो चीज मुझे खटका, मुझे पसंद ऐसा, दो आई वाज वेरी यंग एंड आई वाज वेरी न्यू, मुझे वो ठीक नहीं लगा। एंड बाद में मुझे मालूम पड़ा कोई बुके वुके लेके आए थे, एक 5,000 का चेक भी लाया था पत्रकार संघ को देने के लिए। अच्छा, एंड ऑलरेडी बॉडी डिसाइड हुआ था। ओके, प्रेसिडेंट कौन बनेगा, सेक्रेटरी कौन बनेगा, ट्रेजरर कौन बनेगा, ये सब ऑलरेडी डिसाइडेड हुआ था। और वैसे मीटिंग शुरू हुआ, उन्होंने पहले ही अनाउंस किया, जो अनाउंस कर रहा था उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया कि ये पहला पत्रकार संघ का मीटिंग है, इस मीटिंग को हम लोग अच्छे मिलजुल के, एक बहुत अच्छे फैमिली के टाइप हम लोग इसको पार पड़ेंगे। अच्छा, इसमें, हाँ, इसमें कोई डिबेट नहीं होगा। अच्छा, जो जो नाम आएंगे वही नाम हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे आज के दिन। अच्छा, बिकॉज ये नया पत्रकार संघ, हाँ, नया ये सब। क्या मेरा थर्ड सेंस था, जर्नलिस्टिक सेंस था, क्या मानते, मैंने उसी पॉइंट को पकड़ा कि जो जो नाम लिया जाएगा वो नाम ये। और उस वक्त मैं अशोक जादवला का सिर्फ थोड़ा नजदीक था मैं। अच्छा, नजदीक इन द सेंस मुझे मालूम था ये आदमी को सब लोग डरता है। अच्छा, सिडको के अधिकारी डरते हैं, ये लोग डरते हैं, और इनका थोड़ा पावर है ऐसा करके, और ये रिपोर्टिंग में थोड़ा ये जिगरबाज दमदार था। इतना ही तो जानता मैं, वैसे वो उनको उतना नहीं जानता था कुछ। तो इन्होंने शुरू किया, पहला बोला हम लोग सबसे पहले अध्यक्ष का नाम डिक्लेयर करेंगे, जो सुझाव आएगा वो हिसाब से अध्यक्ष करेंगे। तो किसी को मैंने बोलने का मौका नहीं दिया। अच्छा, मैंने अशोक जानावाला का नाम ले लिया। ओके, और जैसे ही मैंने अशोक जालनावाला का नाम लिया, उस रूम में एक स्मशान भूमि जैसा सन्नाटा हो गया था। अच्छा, और मैं नया था, वो साइलेंस को देख के मैं थोड़ा डर भी गया। अच्छा, क्योंकि ये सब दिग्गज लोग बैठे थे, सिडको के अधिकारी थे, सीनियर जर्नलिस्ट थे सब, मैं तो डर गया था। लेकिन मैं ठान था कि मैंने अपना काम कर लिया, मैं जो काम करना था वो मैंने कर लिया। फिर उन लोग थोड़ा बहुत उसको रोकने की कोशिश किया, लेकिन जानना वाला उधर जाके बोला, नहीं नहीं, अभी आप चेंज नहीं कर सकते, आपने जो बोला वो हिसाब से होना चाहिए। तो उन्होंने खुद के लिए खुद लड़ा वो। यस, और अच्छा, और फिर अशोक जानना वाला का नाम डिक्लेयर हुआ। उसके बाद मैं इतना डर गया, मैं कुछ मुंह नहीं खोला पूरे मीटिंग में। और उनका जो लिस्ट के हिसाब से जो जो लोग थे वो ही सब फाइनल वो फाइनल हो गए, खाली प्रेसिडेंट उनका नहीं हुआ। लेकिन उस मीटिंग में वो जो चेक आया था 5,000 का, वो वापस चले गए। अच्छा, जो पत्रकार संघ को देने का था वो नहीं दिया गया। एंड ये अधिकारी लोग भी किसी का अभिनंदन नहीं करते, कुछ नहीं, ऐसे सब निकलते हैं, और मीटिंग खत्म हो गया। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस पत्रकार का, एक समूह का। लेकिन न्यू बॉम्बे में मुझे उस वक्त लगा कि मैंने पत्रकारिता के लिए मेरा काम कर लिया। एक सिस्टम से मैंने पत्रकारिता को गुलाम होने से बचा। उसके बाद मुझे बहुत तकलीफ हुआ, काफी लोगों ने मुझे बॉयकॉट किया, मुझे दूर रखा, मुझे ये किया। इवन दो आई वाज न्यू, मुझे उतना ये वो जो फीलिंग, कॉर्डियलिटी का जो फीलिंग वो नहीं मिला मुझे। मैं उसका विक्टिम बना, लेकिन अपने आप में बहुत गर्व महसूस कर रहा था, क्योंकि आप सही पथ पे थे। मैंने और अशोक जालना वाला सही है वो गलत है वो निकाली, इतना था कि वो उस एस्टैब्लिशमेंट का गुलाम नहीं था। और पत्रकारिता के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत। उसके बाद हुआ ये पत्रकारिता का मेरा पहला पहल हुआ। उसके बाद काफी ये हुआ सिडको में, हम लोग जब भी जाते थे
तो मैं अशोक जलनावाला हम लोग जाते थे, तभी सिडको में एक ऐसा ये होता था कि आज कुछ गड़बड़ है। अच्छा, ये दोनों आए मतलब आज कुछ और हकीकत में कल न्यूज होता था। अच्छा, लेकिन उस टाइम जालनावाला लोकसत्ता सकाल ये सब पेपर में लिखा, ओरिजिनल पेपर का इधर ज्यादा ये प्रभाव था। लेकिन इंग्लिश में इंडियन एक्सप्रेस का उस टाइम वैल्यू इतना था कि मेरा एक भी न्यूज आता था तो उसका चर्चा तो वो हिसाब से मैं सिर्फ 3.5 साल इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्टिंग किया। लेकिन वो 3.5 साल जो तभी किया मैंने 84, 85, 86 तक, उसका बेनिफिट मीन उसका जो रुबा है वो आज तक मुझे मिल रहा है रुबा में, बिकॉज दैट इज द पावर ऑफ द मीडिया का जो अगर आप सही इस्तेमाल करें और ये करें तो उसका पावर इज ऑलवेज देयर, व्हाटएवर गुड आप करोगे वो बरकरार होता है, बरकरार है। उसके बाद मैंने देखा ये जो दौर है पत्रकारिता का, मैंने अनेक बड़े बड़े अखबार आते हुए देखा, सकाल का लॉन्च हुआ इधर, फिर लोकमत का लॉन्च हुआ, देन पुढ़ारी गांवकरी ये सब पेपर्स लॉन्च हुए, इनका भी एक मजबूरी रहा। मैंने ये भी देखा इनका मजबूरी कि इनको सबको जमीन लेना था न्यू बॉम्बे में। यस यस, एंड मैंने ये सुना कि उनकी एडिटोरियल मीटिंग में उनको बताया गया कि सिडको के खिलाफ ज्यादा कुछ मत लिखो, अच्छा उनके खिलाफ थोड़ा अंडर प्ले करो करके, मतलब उनकी जरूरत के कारण उनको प्लॉट लेना था, इस कारण पत्रकारों को भी एक इंस्ट्रक्शन था कि दे अंडर प्ले इट। अच्छा, बट ये सब सिस्टम का एक पार्ट है, मैं उसका खिलाफ हूँ ऐसा करे नहीं है, ठीक है हर जगह जिस जो लोग प्रभावित होते हैं वो लोगों का चलता है। बट एट द सेम टाइम ये इन सभी अखबारों ने न्याय भी दिया लोगों को, मैं जिधर अन्याय होता था उसका ये करता था, बाकी सब मैटर्स में पत्रकारिता का जो रोल निभाना था वो निभा रहे हैं, वो भी तभी भी निभा रहे हैं, आज भी निभा रहे हैं। तो आप जो बताया पत्रकारिता का दौर बहुत फर्क हो गया उस टाइम का और आज का, मुझे नहीं लगता उतना फर्क हो गया। हम जो पत्रकारिता करते थे आज भी मैं देखता हूँ आप जैसे लोगों को सबको देखता हूँ, आप कहीं कहीं जगह पे एक आर्थिक मजबूरी से आपको कोई चीज करना पड़ता है, बट एट द सेम टाइम किधर अन्याय होता है उधर सभी लोग आवाज उठाते हैं। यस यस सर, और कई जगह पे पत्रकारों के कारण कई जगह अन्याय का ये भी निष्कर्ष होके उसको न्याय मिला, तो पत्रकारिता का रोल कहीं कम नहीं हुआ। पत्रकारिता का रोल जो सब पहला था वैसा आज भी है, और मुझे तो 36 साल हो गया, मैं तो समझता हूँ कि मेरे जो छोटा मोटा जो नेटवर्किंग से काफी जगह सहयोग करने को मिलता है। कभी कभी नए पत्रकारों का जोश देखे मुझे ये भी लगता है कि जो हम लोग नहीं करते थे वो आजकल के पत्रकार कर रहे हैं, मतलब हम लोगों को एक न्यूज दिया दिन में अच्छा न्यूज तो हमारा कोटा खत्म हो जाता है। आज इन बच्चों को 4-4, 5-5 न्यूज देना पड़ता है, कंपल्सरी है, तो उसमें से 5-6 न्यूज उस दर्जे का नहीं हो सकता, उनको तो उनका कोटा पूरा करना रहता है। और कई जगह पे पॉलिटिशियंस बिजनेसमैन इनका एक दबाव भी रहता है, इनका एक प्रभाव भी रहता है, यहाँ तक कि पॉलिटिशियन लोग डायरेक्ट न्यूज अखबार वालों के संपादक से डायरेक्ट बात करके रिपोर्टर के शिकायत करते हैं। बिल्कुल सर सही कहा, तो ये सब चीज संभाल के आज जो पत्रकारिता जो पत्रकार लोग कर रहे हैं तो इट इज द सेम, मतलब चैलेंजेस और ये जो है ना आप जो बता रहे हैं वो थोड़ा बहुत इधर में फर्क पड़ा, व्यवस्था वही है। यस, एंड वो उस व्यवस्था में थोड़ा डिमांड्स आज ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है, वो हिसाब से दर्जा भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। यस सर, आप मैं एक सवाल उसमें से प्रतिप्रश्न पूछना चाहता था, आपने उसी का जिक्र कर दिया, जब जो दौर था पूरा जो पहला वाला दौर था आज से 30 साल पहले 35 साल पहले, ये बहुत लंबा पीरियड होता है अगर देखें तो, एक एक जो बच्चा होता है वो पूरी तरह से युवा हो जाता है ऐसे दौर में, तब जो थी वो कलम चलती थी और लोग अखबारी पेपर पर आप लोग खबर वगैरह बनाते थे, आज जो है पूरा डिजिटल माध्यम हो गया है, बहुत सारी चीजें जो है परिस्थितियां बदली हैं, तो उस तरह की चैलेंजेस उस तरह की चुनौतियां भी बदली हुई हैं। आज का जो ये नया दौर है उसमें आप पत्रकारिता जो अखबारी पेपर से शुरू होकर अब डिजिटल माध्यम तक आ गई है, इसमें आपको क्या जो ये ट्रांजिशन हुआ है उसे आप आने वाले समय के लिए कितना बड़ा मान रहे हैं?
देखिए उस दौर में जैसे हम लोग फील्ड वर्क करते थे, हमको सब कुछ फील्ड से जाके लेना पड़ता था। यस, अगर इवन पुलिस स्टेशन में क्राइम रिपोर्टिंग अगर करते थे तो स्टेशन डायरी पढ़ते थे, बिल्कुल, और पुलिस से दो सवाल करके, या अगर वो प्लेस ऑफ क्राइम जाके कुछ पूछताछ करके रिपोर्टिंग करते थे। यस, आज डिजिटल रिपोर्टिंग में भले आप फील्ड वर्क ना करो, यस, आपको हर इंफॉर्मेशन आपके टेबल पे मिल जाती है, बिल्कुल। लेकिन ये जो आज के दौर पे जो आपको करना पड़ता है वो उस दौर पे हमको नहीं करना पड़ा। यस, कि आपको इवन वाइल सर्फिंग नेट सर्फ करते टाइम उसमें आपको यू हैव टू बी वेरी, मतलब बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है कि और आपका एफर्ट दिखाई देता है आपका राइटिंग में, रिपोर्ट में। यस, अगर आप नेट में से सर्फिंग करके आप काफी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, एक रिपोर्ट को बहुत अच्छा रिपोर्ट बना सकते हैं अगर, क्योंकि आपको समझो वाशी का एक प्रोजेक्ट के बारे में आपका आपको कुछ आज का कोई रिपोर्ट लिखना है, लेकिन उसी प्रोजेक्ट का पास्ट हिस्ट्री से लेके आज तक का सब कुछ नेट पे मिल, नेट पे अवेलेबल है, बिल्कुल सर। अगर आपने थोड़ा सा मेहनत किया, हाँ, और वो चीज को दोहराया आपके न्यूज के साथ अटैच करके, और उसपे कुछ सीखने जैसा कुछ है वो पॉइंट डाल दिया, तो आपका न्यूज बेहतरीन न्यूज होने। यस यस सर, बिल्कुल। तो डिजिटल न्यूज का एक बहुत बड़ा अहमियत आज ये है कि आप ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और आप बोलेंगे कि नेट पे सब कुछ है तो क्या आपने किया। यस, नेट में सब कुछ होने से लोगों के पास उतना टाइम नहीं है कि वो लोग नेट पे देखते रहे। अभी जब आप न्यूज करते हो, जैसे उस टाइम में पत्रकारों का जवाबदारी था कि इंफॉर्मेशन देना पब्लिक को, आज भी वही जवाबदारी है। यस सर, कि उनको इंफॉर्मेशन सोर्स करके सर्फ करके नेट सर्फिंग करके एक जगह पे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो इंफॉर्मेशन का वो देना। तो दिस इज द डिफरेंस, रिपोर्टिंग का यही फर्क हुआ है। yes, लेकिन उल्टा आज तो आपको ज्यादा रिपोर्ट्स विद मोर इंफॉर्मेशन ये देना बहुत जरूरी हुआ है। तो पहले हमारे टाइम में हमारे लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं था पत्रकारिता। yes, हमारे पास लैंग्वेज थोड़ा अच्छा था तो हम बोल सकते थे, तो हम पत्रकार बन सकते थे। आज कोई नहीं बन सकता। yes, आज क्वालिफिकेशन जरूरी है। बिल्कुल। बट ये आपका आगे का सवाल आएगा, उससे पहले मैं बता रहा हूँ कि मास मीडिया एजुकेशन को भी बदलना बहुत जरूरी है। yes, आज जो ट्रेनिंग हमारे बच्चों को दिया जाता है दैट इज नॉट इनफ। ये जो स्कूल्स कॉलेजेस में yes, दे रहे हैं, एंड हालांकि ये जो मास मीडिया कॉलेजेस हैव टू दे आर रिकॉग्नाइज्ड, लेकिन उनका जो करिकुलम है देयर इज नो स्टैंडर्ड करिकुलम। हर कॉलेज अपने हिसाब से फैकल्टी को बुलाते हैं, लेक्चर देते हैं और पोर्शन खत्म करते हैं। कुछ अच्छे बच्चे लोग को चांस मिल जाता है अच्छे अखबारों में जाके इंटर्नशिप करना, उसमें वो लोग सीख जाते हैं। हाँ, यस, लेकिन ये बहुत कम लोगों को मिलता है। अगर ये मास मीडिया कोर्सेज को नॉट ओनली स्टैंडर्डाइज बट ऑल्सो मॉडर्नाइज, मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी के हिसाब से उनका जो करिकुलम पूरा बदलना चाहिए, उनको एक्सपर्ट बनाना पड़ेगा। यस सर, उसमें इफ यू आर टीचिंग मार्केटिंग यू हैव टू टीच डिजिटल मार्केटिंग। यस परफेक्ट सर, बिल्कुल। तुम सिमिलरली रिपोर्टिंग का द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्फिंग, हाउ वेल यू कैन सर्फ, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो ही जाके एक अच्छा रिपोर्ट लिख पाएंगे। पहले हमारे टाइम में हमको सिर्फ नेटवर्किंग में क्या, हमारा पहचान अच्छा होना चाहिए था। yes, अगर मैं सिडको में जाऊँ, सिडको के 5 अधिकारी के साथ मेरा अच्छा संबंध होना चाहिए। मैं पुलिस स्टेशन जाता था तो एक इंस्पेक्टर के साथ या कोई 4-5 कांस्टेबल जो अच्छा बोलने वाला रहता, जो हम लोग से संबंध हम लोग बनाते थे। बिल्कुल। हालांकि मेरे टाइम में मैं जब रिपोर्टिंग करता, मेरा सबसे ज्यादा अच्छा सोर्स था कांस्टेबल लोग की। अच्छा। मोर देन इंस्पेक्टर, डीसीपी, एसीपी, इट इज द कांस्टेबल टू गिव यू द राइट इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे नेटवर्किंग उस टाइम हम लोग को करना पड़ता, लेकिन अभी आपको नेटवर्किंग के साथ साथ आपको ये भी करना पड़ता। दिस इज द मेजर डिफरेंस की वो टेक्नोलॉजी और अभी का टेक्नोलॉजी में पत्रकारिता को बहुत सतर्क, बहुत मेहनत एंड
ये जो आप बता रहे हैं कि अच्छा पत्रकार और मॉडरेट पत्रकार, ये फर्क उसी में मालूम पड़े। ये सर मैंने जो सुना है वो उस वक्त जब हम पढ़ाई कर रहे थे, हम जर्नलिज्म कर रहे थे, उस वक्त ऐसा हमें बताया गया कि जर्नलिज्म जो है एक मिशन है। आज ये प्योरली प्रोफेशन में बन गया है। लोग बहुत सारे जो जर्नलिज्म का कोर्स या मास मीडिया का कोर्स जो कर रहे हैं, वो उनका पहला फोकस होता है कि मैं पढ़ लूंगा और मैं इसमें बड़ा प्रोफेशन बनाऊंगा, बड़ा पैसा कमाऊंगा। आपके लिए ये जर्नलिज्म सर क्या रहा है? मेरे लिए इट इज ऑलवेज बीन अ मिशन और आज भी मिशन ही है। जब मैं पत्रकारिता कर रहा था, पहले 10-15 साल मेरा इनकम कुछ नहीं होता था। देयर यूज्ड टू बी नो इनकम। वेयर डू आई मैं लर्न अर्न कहां से करता था? मैं एक दो प्रॉपर्टीज मेरा खुद का था, वो बे में बेच डाला। अच्छा, उसी पैसे से मैंने जर्नलिज्म किया। तो वो जिसमें नुकसान मेरे परिवार को बहुत हुआ, उनका त्याग रिप्लेस तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन उनका बहुत बड़ा त्याग रहा इसमें कि जब बाकी लोग लग्जरी में जी रहे थे तो मेरे फैमिली को लग्जरी नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे बच्चों को कुछ कम नहीं हुआ। बोलते ना, अच्छा काम करो तो ऊपर वाले का दुआ रहता है, और वो दुआ मेरे साथ हमेशा रहा और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिलते रहा। वैसा करते पत्रकारिता का जो मेरा लिखने का भी पैसा कुछ लोग देते थे मुझे, उसमें से गुजारा चलता था। उसके बाद मैं अपना खुद का अखबार लॉन्च किया, रायगढ़ ऑब्जर्वर, और वो अखबार से थोड़ा बहुत इनकम होने लग गया था, बट इट वॉज नॉट इनफ। लोग बोलते थे कि मैं 1977 का आर्य पोदार कॉलेज का बिजनेस मैनेजमेंट ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे अच्छी नौकरी मिल सकती थी। बिल्कुल सर, हालांकि मैंने 12 अच्छे नौकरियां की, मतलब बिफोर पत्रकारिता में डूबने से पहले। अच्छा, 12 ऐसा नौकरी था जो देश में माना जाना कंपनियों का, मतलब आप नाम मैं लूँ तो केनरा बैंक में काम किया, हिंदुस्तान लिवर में काम किया, इंडियन एयरलाइंस में काम किया, सबसे पहला इंडिया का सबसे टॉप कंपनी IBM उस कंपनी में काम किया। तो ये सब कंपनियों में काम किया, लेकिन क्या मालूम वो तड़प जो होती है पत्रकारिता की, वो पत्रकारिता की तड़प थी। और मुझे मालूम भी नहीं था कि मैं पत्रकार बनूंगा। अच्छा, लेकिन जब स्वामी ने न्यू बॉम्बे बुलेटिन लॉन्च किया और अशोक जालनावाला ने मुझे इंडियन एक्सप्रेस पे लगवाया, तब जाके एक ऐसा लगा जैसे मच्छी पानी में वापस आया। अच्छा, मतलब वो जो तमन्ना थी अंदर कहीं ना कहीं दबी हुई थी, पूरा उस ट्रैक पे आ गई। और फिर लगा कि मेरा एक जो सेटिस्फैक्शन, बस लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मुझे वही मिला। नहीं, और उस टाइम से पैसा नहीं होते हुए भी घर के लोगों का ये सब मजबूरी देखे, बहुत बार लोगों ने ये किया कि तुम्हें छोड़ दो, ये करो ये करो, लेकिन मुझसे नहीं हुआ। डेस्टिनी यही थी सर। नहीं, मुझसे हुआ नहीं। हालांकि घर का भी प्रेशर था कि कुछ नौकरी करो, स्टेबल इनकम आने दो ये, लेकिन मैं नहीं कर पाया। वो आप मेरा फेलियर समझो, कुछ भी समझो, नहीं कर पाया। सर अगर आप पत्रकार नहीं होते तो क्या होते? मैं एक वकील बनता, बहुत पैसा कमाता और बहुत झूठ बोलता, तो और वो मेरे फितरत में नहीं था करके नहीं हुआ। नहीं हुआ। सर मैं सवाल को थोड़ा सा दूसरी दिशा में ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि आप इस सिटी के दृष्टा रहे हैं एक तरह से, हमारी नज़र में आपने इसको बनते संवरते हुए देखा है। जब कीचड़ था यहाँ पर उस वक्त से, और आपने बहुमंजिली इमारतों का दौर देखा है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस नवी मुंबई सिटी का असली शिल्पकार कौन है, और कौन सी ऐसी आपको खामी लगती है जिसकी वजह से आज भी ये शहर को जो मुकाम हासिल होना चाहिए था वो नहीं हुआ? किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? और इसी में सवाल है कि अगर कोई खामी है तो इसका समाधान आपकी नजर में क्या है? सुधीर जी, आप पत्रकारिता से लेके अभी पॉलिटिक्स में आ गए। चलो सर, मैंने कहा कि आप दृष्टा रहे हैं, तो दृष्टा को नजर आता है कि क्या है। मैंने खास करके जो इस शहर में लोग शिल्पकार बोलते हैं गणेश नैन जी को, उनका तो पॉलिटिक्स में बहुत नजदीक से देखा हूँ। यस सर। और बहुत नजदीक से मतलब काफी, गणेश नैन जी का एक ये रहा कि उस टाइम वो हम लोग सबको बहुत इज्जत देते थे, हम लोग को पास में रखते थे, और तो लेकिन मेरा कभी बहुत सी बातों पर उनके साथ बना नहीं, क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो लोग थे वो सब मेरे पसंद के नहीं थे। लेकिन गणेश नायक का सबसे बड़ा योगदान इस शहर में, मैं तब भी दोहराता था आज भी दोहरा रहा हूँ, कि जब इस आजू बाजू शहरों में, मुंबई थाना में, ये कम्युनल ये जो बहुत फ्लेयर अप हुआ। अच्छा,
हैं। वो टाइम में नवी मुंबई को टच नहीं हुआ। यस, हिंदू मुस्लिम वाद या कोई हिंदू सिख वाद या कोई, वो जब वो टाइम में हर जगह पे होता था तभी न्यू बॉम्बे में कभी कुछ होने नहीं दिया, बिकॉज वो एक आगरी लीडर होके भी उनका मैक्सिमम फ्रेंड्स लोग बाकी कम्युनिटी के लोग बाहरी लोग। ओके, ठीक। लेकिन उन्होंने कभी स्थानिक लोगों का ये नहीं किया। उन्होंने बहुत अच्छा बैलेंसिंग किया, बैलेंसिंग की स्थानिक लोगों को उनका पोजीशन दिया, उनको पद भी देते रहा, और बाकी बाहर के लोगों का जो कोई भी अड़चन होता था, कोई काम होता था, वो करते थे, उसका समाधान भी करते, उनको इज्जत देता था, उनको बाजू में बिठाता था। हम लोगों उस टाइम में वही था कि गणेश नायक हमको बाजू में बिठाते हैं, और आज भी काफी लोगों को वही है। लेकिन गणेश नायक का एक रहा कि उनके दोस्तों के लिए वो ठीक थे, जो उनके साथ नहीं थे उनके लिए तो था ही नहीं वो, बिल्कुल उनको विरोध या ऑपोजिट पार्टी सहन नहीं होता था। अच्छा, वो तो तब भी है, आज भी है, आज भी है, तो आज भी है। लेकिन गणेश नायक ने अपने जो नेटवर्किंग से जो लोग जोड़े थे वो आज भी जुड़ा हुआ है। अच्छा, वो उनका उस टाइम का ताकत आज भी है। उसके बाद उनका जो लड़का है संजीव नायक का दौर देखा हमने, वो दौर में संजीव नायक का सबसे बड़ा योगदान था मोरबे डैम वाला, बट वो तो अंडर द गाइडेंस ऑफ गणेश नायक। यस, राइट। लेकिन मोरबे डैम हम एक बहुत बड़ा योगदान रहा न्यू बॉम्बे के लिए दूरदृष्टि के हिसाब से। यस सर, हालांकि उसमें काफी रीजंस था कि हमारे पास आने का, जीवन प्राधि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण वो बना नहीं लिया, कोई नहीं ले नहीं रहा था, फिर न्यू बॉम्बे को अप्रोच हुआ, हमने एक झटके पे न्यू बॉम्बे वालों ने ले लिया, और उसका बेनिफिट उसका क्रेडिट पूरा जाता है इनको, संजीव नायक को उस टाइम का। उसके बाद संदीप नायक का दौरा आया। संदीप नायक ने एक क्या बोलते हैं हम लोग वो टाइम, वो 21st सेंचुरी सिटी का ये लोगो चलने लगा, तो उन्होंने सब हाईटेक चीज को लाने का कोशिश किया। अच्छा, एक न्यू बॉम्बे का नया दृष्टिकोण देने लगा। उसके बाद सागर नायक है, सागर नायक ने युवकों का स्पोर्ट्स का जो नक्शा बदला न्यू बॉम्बे का, कि एक पालिके की तरफ से, हाँ इन सबका एक चीज आपको बताना होगा कि म्युनिसिपैलिटी के झोपड़पट्टी के जो बच्चों को जो सुविधा मिला, यस सर, वो सबसे बड़ा योगदान कि पिछड़े वर्ग के लोगों को एक न्यू बॉम्बे में नए आए लोगों के दर्जे के हिसाब से सुविधा देना, ये इन्होंने किया। yes. ये क्रेडिट इनको जाएगा। संदीप नायक ने बहुत अच्छा स्कूल बनाया, वेरी कॉस्टली स्कूल, बट म्युनिसिपैलिटी के बच्चों को अधिकार नहीं किया ऐसे स्कूलों में जाने का। ये कुछ लोगों का कहना है, बट एट द सेम टाइम इनके ऊपर सब एक ये दबा लगते रहा कि ये कॉस्ट फैक्टर है हर चीज में, हर चीज में। ओके, हाँ, के उसके ऊपर कभी डिबेट होने नहीं दिया, नहीं दिया बिल्कुल, और ना ही कोई पत्रकारों ने। हाँ, कई कई बोले मुख्यालय का जब बना तो इतना कॉस्टली बना, बट देन कॉस्टली बना तो उसका रिलेटिव एरिया वाइज, एरिया वाइज कंपैरेटिव स्टेटमेंट विद एनी अदर कॉर्पोरेशन वो कोई कर नहीं पाया, कोई खाली चिल्लाते रहा कि ये कॉस्टली है ये, तो उस चिल्लाने में दम नहीं रहता, अनलेस रिपोर्टिंग में आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स देंगे तो। अभी वंडर्स पार्क बना, एक बहुत अच्छी चीज बनी, बट इट अ ह्यूज कॉस्ट, एक गार्डन के लिए 38 करोड़ 45 करोड़ इज अ ह्यूज कॉस्ट, लेकिन बनने के बाद लोग उसको अप्रिशिएट तो किया, अप्रिशिएट किया। और मैं तो करप्शन के खिलाफ हमेशा रहा हूँ, लेकिन मैंने एक देखा कि जहाँ काम होता है वहाँ करप्शन होता है। yes. बिना करप्शन का काम नहीं होता, काम नहीं होता। और ये आज के दौर की बड़ी सच्चाई है, ये सिस्टम का सच्चाई है कि ये होता है, तो उससे अच्छा काम क्या क्या हो रहा है वो देखना बहुत जरूरी है। एंड एट एवरी स्टेज, अभी आपको बताऊ न्यू बॉम्बे का क्रांति इसके लिए है कि हमारे पास जो डंपिंग ग्राउंड जो है, हाँ, आज भी बॉम्बे में कहीं पर नहीं है, नहीं बिल्कुल आसपास के किसी जगह पे नहीं, कहीं पे साइंटिफिक डंपिंग जो बोलते हैं, साइंटिफिक लैंडफिल साइट, एक एक फुट का डंपिंग करके उसको कॉम्पैक्ट करने का, फिर उसको ट्रीट करने का, फिर डंप करना, साइंटिफिक लैंड साइट जो है कहीं नहीं, कहीं पर नहीं, कहीं नहीं। एंड दिस इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। यस सर, ये जो सिटीजन का जो हेल्थ है उसके लिए सबसे बड़ा चीज है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हम लोग सबसे आगे रहा।
सीवेज ट्रीटमेंट। यस सर, सीवेज ट्रीटमेंट का पूरा मुंबई में नहीं है, नहीं इतना आधुनिक इतना पुराना शहर में yes. कहीं पर भी नहीं। हमारा तो हर सीवेज का पानी ट्रीट होके फिर समुद्र में छोड़ा जाता है, जो समुद्र का लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। नाउ इसमें क्रेडिट राज सिर्फ ये नाइक फैमिली और राजकरणी लोगों को नहीं जाता, हमारे कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स थे, शिवसेना कॉर्पोरेटर्स थे, सब लोग थे, लेकिन इवन अधिकारी वर्ग ये सब स्कीम्स आए बाहर से। ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आने से कई साल पहले, कम से कम 7-10 साल पहले हम लोग ने ये सब इम्प्लीमेंट हो गया, और बाद में ये सब चीज स्मार्ट सिटी के एजेंडा में आने लगा। तो ये दौर हमने देखा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, संदीप नायक के टाइम पे और उसी के टाइम में ये डिजिटल क्लासरूम, मतलब पालिके के बच्चों को डिजिटल क्लासरूम का ये जो ये देना है, इट इज नॉट ए जोक। ये प्राइवेट स्कूलों में उस वक्त नहीं था। वो टाइम में हमारे बच्चों को ये डिजिटल स्कूल, अब तो और आगे जाना पड़ता है, अभी तो लोग प्राइवेट स्कूल ये कर रहे हैं, कौन सा ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, जो अभी हम लोग पीछे है उसमें। अभी ये आगे का प्लानिंग में इनको ये करना पड़ेगा, नया प्लानिंग में ये ऑनलाइन एजुकेशन का भी सुविधा करना ही पड़ेगा। तो बट ऑनलाइन एजुकेशन नॉट ए कम्प्लीट एजुकेशन है, ये ऑनलाइन एजुकेशन अभी स्टॉप गैप अरेंजमेंट करके ठीक है, बट काफी एजुकेशनिस्ट और एक्सपर्ट लोगों का कहना है कि ऑनलाइन एजुकेशन कैन नॉट बी अ परमानेंट थिंग। यस बिल्कुल सही है। तो वो हिसाब से डिजिटल क्लासरूम हमारे में म्युनिसिपैलिटी का हर चीज के दर्जा है। सुधाकर सोनावनी के वार्ड में मैं बताऊं, पूरा इंडिया में नहीं होगा कि एक म्युनिसिपल स्कूल में स्विमिंग पूल बिल्कुल सुनेंगे, और दूसरी व्यवस्था बाकी व्यवस्था जो उन्होंने किया और उनका फुल टाइम इन्वॉल्वमेंट है, 100% लोग पॉलिटिशियन लोग को गाली देने में बहुत आगे बढ़ते हैं, लेकिन कई पॉलिटिशियन लोग हमारे इस शहर में भी हैं जिन्होंने एक आदर्श तो ये दौर मैंने देखा भी। मैं एकदम क्रिटिक नहीं हो सकता इसके लिए, क्योंकि लोगों ने सुधाकर सोनावने एक स्लम में रह के ही बिकेम ए इंडस्ट्रियलिस्ट बना, और ये स्लम में रहता मतलब गरीब था करके नहीं रहा, ये मजबूरी से स्लम में गए। जब भी 1979 में वो अकाल पड़ा था पश्चिम महाराष्ट्र में, उस अकाल के पीरियड में आए हुए लोग हैं ये, एक सुधाकर सोनावने है, दूसरा हमारे डॉक्टर नाथ है बेलापुर में, ये सब उसी में आए हुए और एकदम अचानक गरीबी से फिर उठे। आज डॉक्टर नाथ जग प्रसिद्ध लैंगिक तज्ञ बना, 5 बार चुनके आए इधर। सुधाकर सोनावने ने एक आदर्श स्लम नोड बनाया जहाँ बच्चों को दारू से और ये सब चीज गंदी आदतों से दूर रखता है वो, जो स्पोर्ट्स में वहाँ के बच्चों ने स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल पे कहा, तो जो हिसाब से मतलब इन्होंने किया है ये सब, ये दौर में मैंने देखा ये इलेक्शन।